ये भाई साहब भी पटाया में तो लड़की पटाना चाहिए ना। लंड जाएंगे मेरा पटाया। देखो एक गाली दे रहा है साला, खुलेआम गाली दे रहा है ये भाई साहब। तो सुन लिया भाई साहब ने कंप्यूटर के अंदर भी। चुप चुप, बिल्कुल चुप। वीडियो शुरू होने जा रहा है। मैं आज एक इंडियन वीडियो रिएक्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं नेपाली हूँ, ऐसे ही हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन वीडियो देख रहे हैं भाई। अगर चाइनीज वीडियो देखूँ ना, मैं चाइनीज में रिएक्ट करूंगा। नहीं हाउ मा वो है हाउ, नहीं चाइनीज में रिएक्ट करूंगा। अभी हिंदी वीडियो देख रहा हूँ, ये है बैंकॉक पटाया नाइट लाइफ। इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरे दोस्त ने बोला कि हिंदी में रिएक्ट करके दिखा, चैलेंज दिया है मेरे को कि तू पूरा वीडियो हिंदी में बात करके दिखा, और ये ट्रैवल जंकी का जो वीडियो है ये रिएक्ट करने के लिए बोला है। तो बैंकॉक नाइट लाइफ का वीडियो मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ। यूट्यूब है इसीलिए वैसा नाइट लाइफ बाहर का होगा, कमरे के अंदर का नहीं होगा। देखते हैं। ये वीडियो को सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन हेतु बनाया गया है। इस वीडियो में ऐसे देशी शब्द और विदेशी दृश्य का प्रयोग सिर्फ दर्शकों को हंसाने के लिए किया गया है। किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति, महिला, पुरुष, देश, जाति, धर्म, उनकी संस्कृति को अपमान या ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद। वीडियो में खूब देशी भाषाओं का वर्णन है। कृपया हेडफोन नहीं लगाएंगे, आज हेडफोन नहीं लगाएंगे हम, ऐसे डायरेक्ट देखेंगे। खतरों के खिलाड़ी है हम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते कस्त राम गीत है, कति राम मिले को गीत। देखो ये भाई साहब, ये क्या क्या बोले, गोरे गोरे गाल तेरे छाती पे मौसम में। बहुत अच्छा गाना है, कोई अच्छा खासा सिंगर ने गाया होगा ये गाना। बहुत अच्छा लगा है मेरे को ये गाना सुन के, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा गाना। थाईलैंड बैंकॉक, तो चलिए बैंकॉक घुमाते हैं ये भाई साहब हमको, और हम भी साथ साथ बैंकॉक घूम लेंगे। ठीक है, ये दीवार पोतने की बात कर रहा है ये भाई। पेंटर होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि दीवार पे पोतने वाला काम सिर्फ पेंटर लोग ही करते हैं। ठीक है, तो ये भाई साहब मेरे ख्याल से पेंटर होंगे। बैंकॉक 3 है ये, बैंकॉक 1 और 2 भी है, वो बाद में रिएक्ट करूंगा मैं। अगर आपको अगर उसका भी रिएक्शन चाहिए तो मुझे बता देना, उसका भी मैं रिएक्ट जरूर कर लूंगा। ये बैंकॉक 3 है, पटाया नाइट लाइफ नाइट मार्केट। तुम्हारा भाई पटाया की सड़कों पे फुल भौकाली कर रहा है, कोई गुंडा गाड़ नहीं लाएगा, गाड़ तोड़ दी जाएगी। क्यों ठीक है तुम्हारा भाई फुल टाइम? ये तोड़ने के बात कर रहे हैं भाई साहब, तो ये क्या बता रहे हैं, ये तोड़ने के बात कर रहे हैं भाई साहब। मेरे को तो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो बताइए क्या तोड़ने के बात कर रहे हैं। ये क्या एंड के आगे जी डाल दो तो क्या होगा, जी एंड होगा। आपने क्या समझा, मैं तो यही बोल रहा हूँ भाई। क्या बोल रहे भाई साहब, हेडफोन लगा लेना तुम लोग। मैं तो देखो भाई खतरों के खिलाड़ी हूँ, मुझे हेडफोन नहीं चाहिए, तुम लोगों को जरूर चाहिए होगा। तुम लोग हेडफोन का जुगाड़ खुद कर लेना। हेडफोन नहीं हो तो ईयरफोन नहीं है तो ईयरप्रो, ये साला क्या क्या लगा रखा है मार्केट में, बहुत सारे चीज है, जो भी है कान में घुसेड़ लो और सुन लो ये बात। देखो भाई ने अच्छे से मुंह में ले लिया है बियर का कैन। देखो बाप रे, बैंकॉक है ना, बैंकॉक नहीं पटाया बैंकॉक सेम है क्या? मैं तो गया नहीं, मेरे लिए तो सेम ही है, पूरा बैंकॉक सेम है, बॉर्डर क्रॉस करते ही सब पूरा सेम है। ये भाई साहब पेंटर है या ये जो दीवार तोड़ने वाले है या सिंगर है, मल्टी टैलेंटेड है भाई। देखो गाना गा रहा है, कितना अच्छा गाना गा रहा है भाई साहब। पीके फुल हो, काली फुल हो रही है मस्ती। तो अभी यार वो चैंग पिंक लोड़ा झट से जो बियर पिया ना भेंचोत, रेस्टोरेंट से या बाहर से कभी भी बियर लोड़ा ना पिया भेंचोत,
लोड़े लग जाएंगे, तो चढ़ती भी नहीं है। और देखो भाई साहब सजेशन भी दे रहे हैं, रेस्टोरेंट में जाकर नहीं खरीदो भाई साहब, बाहर से खरीदो। देखो भाई साहब कितना इन्फॉर्मेशन ज्ञान बांट रहे हैं भाई साहब, इतना अच्छा आदमी, बाप रे ट्रैवल एजेंसी, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आगे आगे चलो, बेकार है इन चोर यार, वो मत पीना ठीक है, मत पीना। देखो ये बियर अगर बैंकॉक और थाईलैंड में एलियो ये वाली बियर लेना, बचपन भर की केन आएगी। ये लियो तो नेपाल में भी है भाई साहब, लेकिन बियर नहीं, लियो क्लब ये वगैरह होता है, मैंने भी देखा है, लेकिन ये लियो बियर अगर तुम लोग जापान जाओ, जापान नहीं है तो बैंकॉक, बैंकॉक जाओ तो लियो बियर पीना भाई साहब, लियो लियो दियो, बैंकॉक में क्या करना है, लियो दियो ऐसा ही चलता है। दियो तो नेपाल में भी होता है, तिहार में जो दियो बाली साज को गाना है, यहाँ से किसी बार में किसी हॉस्टल से लौड़ा कहीं से बियर मत लें, अपने नजदीकी 7-Eleven जाएं और ये बियर लीको कर लें और पिए और गप्पा गप, दो बियर में तो एकदम आपका सामान एकदम खड़ा हो जाएगा, लब लब बांध लेगा। नहीं नहीं क्या बोल रहे हैं भाई साहब, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, समझा दो जरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो ना ये क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आप लोगों को आ रहा हो तो प्लीज समझा दो, प्लीज प्लीज। और फिर कहत दित बड़कारी रे पुरमारी, ठीक है तो ये सी बहुत अच्छा गाना, बहुत लजीज गाना गाया है भाई साहब ने, बहुत। अभी मौसम धीरे धीरे बन रहा है तुम्हारे भाई का, एक शॉट तो दिखा दिया, अभी दूसरा शॉट अभी पूरा बहुत बाकी है, पूरी रात बाकी है, और वेंचर 5 बैटरी है, वेंचर 3 मेमोरी कार्ड है, 128 ठीक है। भाई साहब पूरा तैयारी करके गए, देखो पूरा तैयारी करके भाई साहब बैंकॉक गए, बैंकॉक में भाई साहब मेमोरी कार्ड बैटरी लेके गए, क्या बताए क्या बताए भाई साहब, वाह बहुत मान हो, बहुत मान हो। मेरा एक दोस्त गया था बैंकॉक, वो कुछ मेडिकल से कुछ खरीद के ले गया था, सिटामोल वगैरह मालूम नहीं, बोलता है कि सर दर्द होगा तो खाना पड़ेगा, कुछ मेडिकल से सामान खरीदेगा, लेकिन भाई साहब देखो बैटरी मेमोरी अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, पुराने की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, फुल गप्पा गप होगा, यही मुकदमा होगा, यही चुपचाप होगी, यही बच्चा होगा ठीक है, प्रेग्नेंट करके आना है ठीक है। भाई साहब फुल तैयारी करके गए, बहुत अच्छा, प्रेग्नेंट करने की बात हो रही है तो देखते हैं भाई साहब क्या कर लेंगे आगे, तो हमारे साथ बने रहिए, तो हम देखते हैं अब भाई साहब क्या करने वाले हैं, सस्पेंस है पूरा। दारू पीना अगर पाप है तो पापी हूँ मैं, जिंदगी के मजे लेना पाप है तो पापी हूँ मैं। दूम 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 बहुत अच्छा गाना, बहुत ही अच्छा गाना गा रहे हैं भाई साहब, इतना अच्छा गाना तो आज तक मैंने सुना ही नहीं, अगर भाई साहब आप नेपाल आइडल में आओ ना तो ऑडिशन से ही आउट हो जाओगे, इतना अच्छा गाना गा रहे हो जी आप, सच में क्या म्यूट हो गया, दारू इसने पिया है, कंप्यूटर को चढ़ी रखी है, देखो आपसे आप म्यूट हो गया, कोई बात नहीं अनम्यूट कर दूंगा मैं। दारू पीना अगर पाप है तो पापी हूँ मैं, जिंदगी के मजे लेना पाप है तो पापी हूँ मैं। ओए पापी है तू, ओए पापी, तैयारे तैयारे चढ़ गए हो पापी, बीच गाना या धूम जो है जय किशन बसनेत कॉपीराइट लगा देगा, धूम का ठेका लेके बैठे हुए है जय किशन बसनेत, धूम वन धूम टू धूम थ्री, सच में भाई साहब इसका चेहरा देखो। इसके तो किसी ना वो हॉरर फिल्म में इसको जगह मिलनी चाहिए, जिसमें वो यमराज ये वगैरह होता है ना राक्षस, उसमें जगह मिलनी चाहिए, लेकिन भाई बहुत कूल है, चेहरे पे मत जाओ लेकिन भाई साहब बहुत कूल है। हेलो बहुत कूल, बहुत बहुत कूल भाई साहब, आप लोग याद करें ये एक ही गाड़ी बार बार जा रहे है, सेम गाड़ी है, गाड़ी चक्कर मार रही है, देखो ये सेम गाड़ी फिर से यही रास्ते से होकर गुजरेगा, सेम गाड़ी है सच में, देखो अभी बोला अभी दो चार गाड़ी है, सेम गाड़ी है, चल
तो भाइयों और बहनों अब कुछ दृश्य शुरू होने वाला है मेरे ख्याल से, तो जुड़े रहिए। या सदोसा देखा, मैं भौकाली नहीं करता यार, लोगों को हंसा भी देता हूँ चाहे कोई भी हो, मैं पहले दारू पी के पूरा ही भौकाली कर रहा था, नाच रहा था, ये लोग यहाँ पे देखे मुझे बुलाए और आए, हेलो यू आर एंजॉयिंग, ले आर एंजॉयिंग, मस्त मजा आता है यार, मतलब लोगों को हंसाओ, लोगों को हंसाने में बहुत मजा आता है, सच में बहुत मजा आता है भाई साहब, सच बोल रहे हैं, बहुत मजा आता है, सच में बहुत मजा आता है बाबू भैया, सच में बाबू भैया। बहुत कड़क माल है भाई, वॉकिंग 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 स्ट्रीट, माहौल थोड़ा टाइट बन चुका है, हाँ और टाइट बना लो भाई साहब, यहीं पे पिएंगे भाई, क्या दिखा रहा है भाई साहब, चलें और थोड़ा पी लें, पी लो पी लो, नशा ही नहीं हो रहा, थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे कि ये बियर पियो नशा ही नशा होगा, अभी पी रहे हैं तो बोल रहे कि नशा ही नहीं हो रहा, ये भाई साहब को नशा हो चुकी है, पीने के बाद लोग कहते हैं ना जितना भी पियो मुझे तो नशा ही नहीं होता, दारू चढ़ती ही नहीं, भाई को चढ़ चुका है, मैं ये जान चुका हूँ, दारू एक्सपर्ट मैं जान चुका हूँ, भाई साहब थोड़ी देर बाद बोलेंगे किसी को है बाइक, आज तेरा भाई कुदाएगा बाइक मेरे को दे दे, ये कहेंगे देखते रहो, कहेंगे भाई साहब जरूर कहेंगे, गारंटी जरूर, दिस इज योर, जिसकी गाड़ी में बता रहा कि मेरा था ऑन दी हाईवे, मतलब दिस इज योर ऑन दी हाईवे, नो प्रॉब्लम, बहिया में कसी के सैया मारे ला कच्चा कोच कोच कोच, कितना अच्छा टैटू था, पहले माले दूसरे माले तीसरे माले, फ्लोर के बात कर रहे हैं भाई साहब, फर्स्ट फ्लोर को पहली माले, दूसरे फ्लोर को ये कहते हैं माले में, एमाले भी होता है इधर नेपाल में, कैसे माले के बात कर रहे हैं, अगर मालूम है तो बताइए, मैं तो जो जो मुझे सही लगा वही बता दिया भाई मैंने तो, ये भाई साहब फिर से दीवार पोतने के बात कर रहे हैं, भाई कुछ करके दिखाएगा भाई साहब, देखो भाई में देखो वो जो जुनून, वो क्या वो एनर्जी देखो भाई साहब का, सच में बहुत 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 कूल, अच्छा ये लाइन अच्छा, ये भाई साहब क्रांति करने की बात कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक भाई साहब, क्रांति करना चाहिए जितना सको उतना क्रांति करना चाहिए भाई साहब, क्रांति करते रहो क्रांति लाना चाहिए, क्रांति करना चाहिए, आगे देखिए आगे भी बहुत तगड़ी है, this one then this year, okay 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 tuk tuk, thank you, nice to meet you, tuk tuk, मेरे को भी थाईलैंड जाने का मन किया है ये माहौल देख के, लेकिन क्या करे टाइम नहीं है, पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है, क्या करे दिक्कत बहुत है,
फुल भोकाली कर रहे हैं भाई साहब। ये देखो ये भाई साहब रेस्टोरेंट घुसे है, वो अभी टिफिन साथ में लेके, समझ गए होंगे। लड़के लड़के भी घूम रहे हैं, देखो अच्छी बात है, लीगल है सब कुछ। ये कुछ मजेदार हो ही नहीं रहा, मजा ही नहीं आ रहा। ये क्या, ये सिर्फ रास्ते दिखा रहे हैं भाई साहब। मेरे दोस्त ने बोला था कि इतना लजीज वीडियो है, इतना मजा आएगा सर, रास्ते में चल रहा है। पहले तो मजा आ रहा था, भाई साहब क्रांति करने की बात कर रहे थे, लेकिन क्रांति हो ही नहीं रहा, शुरू जिंदगी बर्बाद हो गई, क्रांति शुरू ही नहीं हो रहा। क्या कर रहे हो भाई साहब? अच्छा, ये बात है भाई साहब, क्या दिखा रहे थे अभी जाके पता चला मेरे को। तुम्हारा भाई पटाया की सड़कों पे फुल भोकाली कर रहा है, फुल भोकाली, जय माँ काली करो फुल भोकाली। कोई गुंडा गण नहीं लाएगा, सच में तोड़ दो भाई साहब, कोई गुंडा तोड़ के रख दूंगा, फोड़ के रख दूंगा, तोड़ दो भाई साहब, एक ही डायलॉग बार बार बोल रहा है। ठीक है तुम्हारा भाई फुल टाइट है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो पहले भी देखा मैंने, ये तो शुरू में ही आया थे, क्या हो रहा है भाई साहब, रिपीट हो रहा है ये। ठीक है फुल हो काली, फुल हो रही है मस्ती। हाँ अभी यार वो चैंग पिंग लोड़ा झट से जो बियर पिया ना वेंचो रेस्टोरेंट से है, बाहर से कभी भी बियर ये तो मैंने पहले ही देखा था। बल्लम को मारने लगेगा यार, पूरी रात बाकी है। और किस मार्केट से मागी की ओर जा रहे हैं? ये भाई साहब ने बीच में वो शुरू का जो क्लिप है ना वही रिपीट में रख दिया भाई साहब, ऐसे लोगों को आप पंगू बना रहे हैं। ये चीज अच्छा नहीं लगा भाई साहब मेरे को, सब कुछ अच्छा है, ये चीज अच्छा नहीं। शुरू में जो वीडियो देखा था बाद में वही वीडियो डाल दिया भाई साहब ने, लेकिन कोई बात नहीं, भाई साहब एडिटर नहीं है, ब्लॉगर है, कोई बात नहीं। ठीक है अभी देखते है, फॉरवर्ड कर दिया मैंने वीडियो को। और काफी हर तरफ करना ही करना, करना ही करना, करना ही करना है, फुल भाव काली। भाई साहब कन्या को देख के खुश हो रहे हैं। और ये देखिए क्या थाई फूड, लोड़ा फूड, लहसुन फूड बना रहे हैं ये। लहसुन फूड, हाँ बोलो, एकदम फास्ट चल रहा है, फास्ट नहीं चल रहा हूँ, और भी फुल एनर्जी में, सोच रहा हूँ एक दो बियर और मार लूँ। मार दो, हर तरफ ऐसे जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, और पूरा फुल यहाँ पे भोकाली भोकाली है। हाँ हर तरफ जा सकते हैं, जा सकते हो, फल फूल वगैरह यहाँ पे देखिए, फूल 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 वगैरह यहाँ दिख रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ मॉर्निंग माय बूढ़ा, बूढ़ा का मतलब होता है श्रीमान, ये लड़की मैं वैसा सुन रहा हूँ भाई साहब, मालूम नहीं अगर वो थाई में कुछ अलग ही हो सकता है उसका मीनिंग। ये बड़े चूचे वाली ना,
नीचे वाली बोल रही है व्हाई डू यू वांट टू मेक वीडियो, तो मैंने बोला चला तो बोलती है बाय 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 नो नो वीडियो नो वीडियो बाय 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 ऐसे कर ऐसे कर रही है ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल अच्छी पूरी स्ट्रीट मार्केट है, यहाँ पे ये दिख रही है बहन जो चट्टी 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 वाली चड्डी तो हर कोई पहनता है, इसमें क्या भाई साहब चड्डी चड्डी क्यों बोल रहे हैं मालूम नहीं मेरे को, चड्डी चड्डी बोल रहे हैं भाई साहब, चड्डी तो हर कोई पहनता है, मेरे को तो चड्डी नहीं दिखा। ओए होए 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 फिर से यही चीज रिपीट हो रहा है, अकेले अकेले नाच रहे हैं भाई साहब। कुछ भोकाली नहीं हुआ, सोच रहा था कि कुछ भोकाली होगा भाई साहब, दीवार तोड़ देंगे क्रांति लिख देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ क्रांति नहीं कर रहे भाई साहब, ऐसे को हम क्रांति नहीं कहते। क्रांति करने के लिए बंदूक उठाना पड़ेगा, गोली मारना पड़ेगा, तब जाके क्रांति होगी ना, ऐसा ही हाथों से क्रांति करके क्या करेंगे भाई साहब, मजा नहीं आ रहा, सच में मजा नहीं आ रहा। सच में मैंने कुछ नहीं सुना क्या, साउंड साउंड नहीं आ रहा है मेरे कान तक, आप लोगों के कान तक साउंड पहुंच रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, ऐसा ही देख रहा हूँ अभी तो सच में। माल तो नेपाल में भी वो रस्ते रस्ते में कहते हैं साइको माल 50 में, साइको माल 50 में, दुई सेको माल से मारे, मालूम नहीं है कि मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा वैसा कोई कुछ भी, लेकिन भाई साहब माल माल बोल रहे हैं, मालूम नहीं कैसे माल। ठीक है ये भाई साहब लड़की ढूंढ रहे थे लेकिन लड़के आके गले लग गया, देखो भाई साहब क्रांति कौन लिखेगा, कौन लिखेगा क्रांति, सस्पेंस हो रहा है, देखो वीडियो सस्पेंस की तरफ जा रहा है, अब लड़का आ गया है साथ में हेलो बोल के, ये लड़के का स्माइल देखो, अब क्रांति कौन करेगा, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, क्रांति कौन करेगा, देखते हैं वीडियो को आगे तक। लड़की भी आ गई, वेलकम टू बेटा, थैंक यू, या कर रहे भाई साहब अभी से, देख सकते हैं आप अच्छे लोग भी मिले जाते हैं, नखरे बहन की लोड़ी भाई करती जो बहन चोत क्या होती है समझ जाओ भाई, इंडियन लग रहा है क्या होती है ठीक है। ये मसाज अगर आप करना चाहें तो यहाँ से मसाज वगैरह करा सकते हैं, काफी सस्ते आपके रेट है, 200 से स्टार्ट है ठीक है। एक बाट का कितना होता है, एक बाट का नेपाली 3 रुपए होते, 200 बाट का 600 रुपए में मालिश हो जाता है भाई साहब, सच में माहौल मजा नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा मुझे नहीं मजा आ रहा, रोज का फिर और मार लो फिर और मजा आएगा, लेकिन ज्यादा मार लूंगा तो फिर बोल ही नहीं पाऊंगा, बोलने का मतलब ज्यादा नहीं है ना बस।
चंचलना चाहिए और करेजा जो होता है ना, करेजा को मतलब ठंडक मिलनी चाहिए, माइंड फ्रेश होना। राजा 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 करेजा में समा जाए, ठीक है। तो ये चीज है, काफी फास्ट चल रहा हूँ ना। हाँ, और आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें पटाया। ठीक है, दिखाओ दिखाओ। पटाया गए भाई साहब, लेकिन लड़की नहीं पटाया, लड़की नहीं पटाया तो पटाया में क्या पटाया। ये भाई साहब भी पटाया में तो लड़की पटाना चाहिए ना। लंड जाएंगे तेरा। देखो एक गाली दे रहा है साला, खुलेआम गाली दे रहा है ये भाई साहब। तो सुन लिया भाई साहब ने कंप्यूटर के अंदर भी, कंप्यूटर के अंदर से भी सुन लिया ये भाई। दिव्य शक्तियां है भाई के पास। भाई की जय, ट्रैवल जंगी की जय। बोलो भाई साहब, माफी चाहता हूँ। भाई साहब ने तो पूरा कंप्यूटर के अंदर से गाली दे दिया। अबे मैं भी गाली दे सकता हूँ, लेकिन क्या नहीं दूंगा, मैं दे सकता हूँ लेकिन नहीं दूंगा। क्या पड़ा है, क्या है? चुची 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 मुंह में हाँ ठीक है। हेलो हेलो, स्टे कनेक्टेड हो गया, ये वीडियो खत्म हो गया। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगा? पटाया में भाई साहब ने अभी तक को तो कुछ नहीं किया, दूसरे एपिसोड में कुछ कर सकते हैं भाई साहब, ऐसा चांसेस है। हमारे सूत्रों के मुताबिक हमको ये पता चला है कि भाई दूसरे एपिसोड में कुछ क्रांति करने वाले है। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, आज तक नहीं कल तक ये क्या है, हमारे चैनल देखते रहिए। तो वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद सब लोगों को।